सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरबी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग आज से, ठीक है, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात जानेंगे और त्रिकोणमिति से पहले जो भी सारी चीज़ें बेसिक लेवल की हैं उनको सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आप इससे पहले त्रिकोणमिति कभी नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से आप हमारे साथ बने रहिए। ये चैप्टर खत्म होते होते मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब ये समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। आपकी ये त्रिकोणमिति है, ये पूरे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही टिकी हुई है, ठीक है। तो वही जो आपने सुना होगा कभी कि साइन, कोस, टैन, प्लॉट, सेक और कॉसेक, यही क्या है, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही 6 अनुपात पर आपकी पूरी त्रिकोणमिति, सारी ट्रिग्नोमेट्री सेट की गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, जब हमने लिखा साइन, कॉस, टैन और यहाँ पर लिखा 3 कॉसेक, सेक और कॉट। अब दोस्तों, ये लिखने का तरीका इतना चेंज क्यों, मतलब हम ऐसे ऐसे नीचे भी लिख सकते थे। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो त्रिकोणमिति का अनुपात है ना, मतलब वो 3 ही माने जाते हैं, ठीक है। ये 3 ही आपके मेन होते हैं और इन्हीं तीनों के उल्टे ये सारे होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा और कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक बन जाएगा और टैन का उल्टा करेंगे तो कॉट बन जाएगा, ठीक है। अब त्रिकोणमिति के ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीआईपी है। अब यहाँ पर ये वीआईपी क्यों, क्योंकि आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, ये वैसे ही याद होने वाले हैं क्योंकि ये ज्यादा कठिन नहीं है। अब इसके साथ बहुत लोग सोच रहे होंगे कि थीटा क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सुना था। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ये जो जो गणितीय चिन्ह है वो अकॉर्डिंग यानी सिचुएशन के अनुसार जुड़ेंगे। कभी साइन के साथ ए जुड़ेगा, कभी साइन के साथ फाई जुड़ेगा, कभी साइन के साथ लैम्डा जुड़ जाएगा, कभी साइन के साथ थीटा जुड़ जाएगा, कभी इसके साथ, मतलब बहुत सारे जितने भी गणितीय चिन्ह है कभी कभी, मतलब सारे इनके साथ जुड़ जाते हैं। ये कोई मतलब डिपेंडिंग नहीं है कि यहाँ पर साइन के साथ ओनली थीटा ही जुड़ेगा, कॉस के साथ भी थीटा जुड़ेगा, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है, जब हमें थीटा का मान, एंगल का मान दिया रहेगा, जो भी चीज़ है वहाँ पर हम लोग थीटा ले सकते हैं, ठीक है, वरना आप फाई, लैम्डा, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आपकी मर्जी। अब यहाँ पर, और हाँ, आपके बुक में भी जो दिया रहेगा आप उसे ही ले सकते हैं, ठीक है। सो यार स्टूडेंट्स, आपने समझा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ये 6 है, यानी 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। तो ये 6 आपके त्रिकोणमिति के अनुपात हो गए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये चीज़ है कि अनुपात आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर डिपेंड है, आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के ऊपर डिपेंड है, तो ये चीज़ आपको याद होगी। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इसके मतलब फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो आपको बेसिक फार्मूले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम आपसे कोई पूछे कि साइन बराबर क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे, कॉस बराबर क्या होता है तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पर हमने जब लिखा साइन, तो साइन बराबर हम लिख सकते हैं 1/cosec, ठीक है, 1/cosec, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं साइन बराबर 1/cosec और यहाँ पर कॉसेक बराबर लिख सकते हैं 1/sin और यहाँ पर कॉस बराबर आप लिख सकते हैं 1/sec, ठीक है, और sec बराबर लिख सकते हैं 1/cos, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan बराबर लिख सकते हैं 1/cot और cot बराबर लिख सकते हैं 1/tan, ये तो ये चीज़ें तो सिंपल थी। अब यहाँ पर हम आपको एक और भी जो है नोट चीज़ बता दे रहे हैं कि, ठीक है, यहाँ पर आप इसको नोट कीजिए, यहाँ पर tan बराबर और क्या क्या हो सकता है। तो tan बराबर एक होता है और यहाँ पर cot बराबर भी लिखेंगे हम लोग। tan बराबर होता है आपका sin अपान cos, ठीक है, sin अपान cos, और यहाँ पर cot बराबर होता है cos अपान sin, ठीक है। यानी कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आपको काम देने वाली, तो इसको भी आप यहाँ पर याद कर लीजिए, यानी कि ये चीज़ें आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब आगे भी सिंपल सवाल जब पढ़ेंगे, यानी कि ये बेसिक है, ये आपको थोड़ा क्लास 9 में ही बता दिया जाता अगर आपके सिलेबस में होता त्रिकोणमिति, ठीक है। तो जब से एनसीईआरटी आया है तो ये चीज़ें आपको हटाए, मतलब क्लास 9 से आपकी त्रिकोणमिति को हटा दिया गया, ठीक है, सिलेबस को गायब कर दिया गया, वही सिलेबस आपको क्लास 10th में दे दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद होगी कि साइन बराबर 1/cosec होता है, कॉसेक बराबर 1/sin होता है, कॉस बराबर 1/sec होता है और सेक बराबर 1/cos होता है। देन यहाँ पर आपको मिलेगा tan बराबर 1/cot और cot बराबर मिल जाएगा आपको 1/tan। देन आपको यहाँ पर मिल जाएगा tan बराबर sin अपान cos और cot बराबर हो जाएगा cos अपान sin, यानी कि tan का उल्टा कर देंगे तो cot बन जाएगा, और तो यहाँ पर इसका इस अनुपात भी उल्टा कर देंगे तब भी वो cot ही बन जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आनी चाहिए। सो गाइस यार, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस तरह से टेबल बनाना होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुपात लिखना है, उसके बाद यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और यहाँ पर 90 अंश है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है आपका अनुपात साइन कॉस टैन कॉट सेक और कसेक। यहाँ से आप कॉट के बाद पहले कसेक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप सेक लिखें उसके बाद यहाँ पर कॉट लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपका तीन रहेगा वो ऊपर रहेगा मेन, एंड देन यहाँ पर आप कोई भी पहले लिख सकते हैं कोई भी बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको टेबल बनानी होगी। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जीरो, जीरो के बाद आएगा एक, एक के बाद आएगा आपका दो, और यहाँ पर आएगा दो के बाद तीन, और तीन के बाद आएगा चार, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे बड़ी संख्या कितनी कौन सी नज़र आ रही है, चार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चार से इस सब में भाग लगा देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर बाई में फोर, अब जब जीरो से चार में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पर एक से चार में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कुल मिलाकर इतना ही रहेगा, यानी वन बाई फोर। और यहाँ पर दो से इस चार में डिवाइड करेंगे तो यानी दो कम दो, दो दुनी चार, यानी कि आपका इक्वल आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है। एंड यहाँ पे तीन से जब हम लोग चार में भाग करेंगे तो आंसर आपका इतना ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं थ्री बाई फोर। और यहाँ पर चार से चार में जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा वन, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका वर्गमूल निकालते हैं, यानी रूट अंडर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन आंसर हम लिख लिए हैं, ठीक है। थोड़ा टेबल थोड़ा गड़बड़ बन चुका है, क्योंकि आप जब बनाना तो यहाँ पर जो पहला लाइन है साइन वाला थोड़ा बड़ा बनाना, क्योंकि यहाँ पर आपको हल भी करना रहता है, ठीक है। इस तरह से आप अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार फिर से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जीरो से फोर तक ले जाएंगे, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स तो जाएंगे 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे चार आ गया, चार सबसे बड़ी संख्या, इसलिए हम चार से सब में भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ गया, यहाँ पर एक बटा चार आ गया, यहाँ पर एक बटा दो आ गया, यहाँ पर तीन बटा चार आ गया, और यहाँ पर एक आ गया। अब क्या करते हैं, उसका जो भी आंसर आया आपको भाग करने के बाद, उसका हम लोग अंडर रूट निकाल देंगे, यानी कि वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकालने के बाद जीरो आ गया है, एक बटा दो, एक बटा रूट दो, और रूट तीन बटा दो, और यहाँ पर आ गया एक बट ओनली एक, ठीक है। इतना आने के बाद क्या करते हैं, कॉस वाले को मान जब लिखेंगे, जब कॉस का मान लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी इसका जो 90 डिग्री का होगा ये 0 डिग्री का हो जाएगा। इसमें जो 60 डिग्री का होगा इसका 30 डिग्री का हो जाएगा। इसमें 45 का 45 हो जाएगा और 60 का 30 हो जाएगा। मतलब ये टेबल इस तरह से चली जाएगी, ठीक है, यानी उल्टा लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब उल्टा यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देंगे इसे। तो यहाँ पर देखिए एक है, यानी कि कॉस 0 का मान हो जाएगा एक, और हो जाएगा कॉस 60 अंश का मान रूट 3 बटा 2, यानी कॉस जो है 30 अंश का मान रूट 3 बटा 2 हो जाएगा, कॉस 45 का हो जाएगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। साइन और कॉस का दोनों यहाँ पर मान इक्वल हो जाएगा, और कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा 1 बाई 2, और यहाँ पर कॉस 0 का मान हो जाएगा ना सॉरी कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम लोग आपको बताए थे, हम एक चीज़ आपको याद करना पड़ेगा भैया, तो वो चीज़ आप याद कर लीजिए, यानी कि टैन बराबर हुआ था साइन बाई कॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जब टैन का मान निकालेंगे, ठीक है, टैन का मान, तो यहाँ पर हम लोग जब टैन का मान निकालेंगे तो यहाँ पर साइन बाई कास कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीरो बटा एक कर देंगे, तो जीरो बटा एक का मान ओनली हो जाएगा जीरो, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हल करके हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है, यहीं पर हल कर लेते हैं। देखिए साइन तीस अंश का मान एक बटा दो है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कास तीस अंश का मान रूट तीन बटा दो है, रूट तीन बटा दो। देखिए यहाँ पर दो से दो हो जाएगा कट, और यहाँ पर वन बाई रूट थ्री बच गया, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, ठीक है गाइस। यहाँ पर इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर वन हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक यहाँ पर दो है लास्ट में, नीचे यहाँ पर दो है, तो दो से दो कट जाएगा, रूट तीन बटा एक आएगा, तो रूट तीन बटा एक को हम ओनली रूट तीन लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये था आपका एक बटा जीरो, तो एक बटा जीरो को हम यहाँ पर लिखेंगे नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉट का मान जब लिखेंगे तो यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे तो जीरो का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पर आप इसका जब उल्टा करेंगे, यानी वन बाई रूट तीन का उल्टा करेंगे तो रूट तीन बाई वन आएगा, तो ओनली रूट थ्री लिखेंगे। इसका उल्टा करेंगे तो एक वही रहेगा, देन यहाँ पर रूट तीन का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका वन बाई रूट में थ्री, और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है। सेक का उल्टा यहाँ पर आप देख सकते हैं, कास का उल्टा करेंगे तो सेक का मान हो जाएगा, तो यहाँ पर एक का उल्टा एक ही रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा दो बाई रूट थ्री, यानी यहाँ पर रूट तीन बाई दो था तो यहाँ पर हो जाएगा दो बाई रूट थ्री। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओनली रूट टू में, यहाँ पर आएगा ओनली रूट दो, ठीक है, और यहाँ पर आएगा इनफाइनाइट, यानी कि जीरो का उल्टा इनफाइनाइट, ठीक है। लास्ट का आपका एक सारणी बचा हुआ है, ठीक है, यानी कास का कासेक का, तो कासेक यहाँ पर आपका साइन का उल्टा होता है, तो जीरो का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो ओनली दो आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बटा दो है। यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो रूट टू आएगा, ठीक है, और यहाँ पर इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा रूट में दो बटा रूट थ्री, ठीक है, दो बटा रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक का उल्टा एक ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर आपकी टेबल इस तरह से संपन्न होती है, यानी कि खत्म हो जाती है। अगर आपको मान याद करना हुआ तो आप जो है इसका मतलब कैसे आया, ठीक है, इसका आप जो है थ्योरी समझ लीजिए, तो आपका आपको जो है मान कभी रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ साइन के नब्बे का क्या होता है साइन। आप अपने मन में हल करके किसी का मान भी निकाल सकते हैं। तो यार ये थी आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक क्लास, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी।